गाड़ी लगा दी है हमने। क्या बात होगी आखिर? कहीं ऐसा तो नहीं कि माँ के सामने उसकी जुबानी ना खुली हो? थिंक पॉजिटिव अनीता, थिंक पॉजिटिव। हमने माँ को जरूर सब कुछ बता दिया होगा, वो आता ही होगा। हम प्लीज जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। मैं जानती हूँ पहले तो बहुत नाराज हुई होगी, पर मान गई ना वो। अनीता मुझे माफ कर दो। माँ की खुशी से बढ़कर मेरी जिंदगी में किसी भी रिश्ते की कोई अहमियत नहीं। ही भाग्य के और भाग्य को तुम्हारा हम मिलके कैसे बदल सकते? तुम अपनी मां का ख्याल रखना और खुद का। ये वाला अच्छा लगेगा। नहीं, मैंने बोला ना यही अच्छा है। अरे उर्मिला। हाँ जी राशि, अभी कोकिला बेन का फोन आया था, कह रही थी हमने तो मंडप स्थापना का मुहूर्त कल ही रख लिया है, हमें भी कल ही करने को कह रही। कल ही? हाँ, इन लोगों की जल्दबाजी देखकर मेरे मन में तो वहम सा हो रहा है। आप भी ना, जब देखो तब वहम शंका शक, बस यही सूचना है आपको। अरे होता है, शुभ काम में जल्दबाजी होना स्वाभाविक है। अब आप जाइए और पंडित जी से फोन पर सारी तैयारी की बातें कर लीजिए। मम्मी, वो लोग तो बहुत बड़े लोग हैं, उन्हें क्या, मगर इतनी जल्दबाजी करके हमारे तो हाथ पैर फुला दिए। सो तो है, पर क्या करे बेटा, वो लड़के वाले हैं, उनका हुक्म तो मानना ही पड़ेगा। चलिए, अब भाणेज के लिए जेब कटवाने का वक्त आ गया। आओ राशि दिकरा। हाय। हाय। अब सोनली, ये राशि है। हाय। हाय। गोपी भाभी की छोटी बहन। जिगर भाई, पूरा परिचय तो दीजिए। एम भाई की साली होने के नाते ये हमारी खास मेहमान जो है। अरे किंजल, ये क्या कह रही हो तुम? मैं कोई मेहमान नहीं हूँ, मैं तो इसी घर की सदस्य हूँ। अरे हाँ, पर तुम यहाँ कैसे? तेरे घर में भी तेरे बहन के मंडप की स्थापना होती होगी, तुझे तो वहाँ रहना चाहिए था ना। अरे जाने दो ना बा, उसको उसकी माँ ने भेजा है तो कुछ सोच के ही भेजा होगा। हाँ, हमारी मदद करने के लिए भेजा है ना काकी? राशि बेटा, घर में तो बस सब ठीक ठाक चल रहा है, तुम बैठो।
किंजल सोनल को अपना कमरा दिखाओ। अरे हाँ कोकिला और अहम तो अभी तक नीचे ही नहीं आए। लो आ गए। जय श्री कृष्ण। 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 पांडवा मुहूर्त का समय हो रहा है, चले बा चले। हाँ बा चल। चलो बेटा चलो आइए। संकल्प लीजिए और फिर श्री गणेश जी को समर्पित कीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिप्रांतकारी भानु शशि भूम सुदोस गुरु शुक्र संज्ञा उगे सर्वे ग्रह शांत ग्रह भवन्तु। अभी गणेश स्थापना पूजा संपन्न हुई। लगन मंडप की स्थापना का प्रसंग विधि विधान से पूरा हो गया। अब श्री गणेश जी से प्रार्थना करिए कि लगन का शुभ प्रसंग निर्विघ्न पूरा हो जाए। दामिनी आओ कमरे में चलते हैं। गोपी के लिए जो हमने खरीदारी की है वो तुझे दिखाती हूँ। आंटी भी साथ चलूं? नहीं मतलब कुछ काम होगा तो। अच्छा चलो आओ। इतना क्यों घुस रही है ये हमारे घर में? गोपी गोपी कहां मर गई? समझती नहीं इतनी देर हो रही है। चल जल्दी आ। ये पकड़ प्रसाद का थैला, वहां बाहर जाकर मुझे पकड़ा देना। भाई कुछ भी कहो, राशि को यहाँ अपने घर की पूजा में तो रहना ही चाहिए था। तुमने उसे वहाँ भेज के ठीक नहीं किया। उसके यहाँ ना रहने से पूजा में कोई कमी रह गई? नहीं ना। अब चलिए। मानवपुरत बहुत सरस था। बहुत सरस बद्दू सरस रीते पार पड़ी गयो ने, यही बहुत बड़ी बात है। सोनल दिख रहा, कुछ तो बोल बेटा, तू कब से चुप है? मेरी बेटी बहुत खुश है। आंटी वो हाँ मैं आपको बताना ही भूल गई, मम्मी ने कल पूजा रखी थी और आज प्रसाद भी भिजवाया है सबको देने के लिए। अरे वाह, कहाँ है प्रसाद? वो हाँ मंडप मुहूर्त के समय मंदिर में ही रख दिया था। अच्छा। माँ ने कहा था कि भगवान को भोग लगाने के बाद सबसे पहले प्रसाद आपको ही दे। ठीक है चल लेकर आते हैं। अब दामिनी तुम लोग कमरे में बैठो, मैं प्रसाद लेकर आती हूँ। आओ बेटा चलो। इस बात का पक्का ध्यान रहे कि हेतल 100% मंदिर तक पहुंच जाए।